हेलो फ्रेंड्स, भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब उन्हें पकड़ लाए। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव है, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी, और कुछ न सही तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्ज़ा खुर्शीद? यह काम आपके सुपुर्द, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्ज़ा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे, भूरी भूरी मूछें, नीली आँखें, दोहरी देह, चांद के बाल, सफाचट, चकलिया, अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे, वोटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, दो बार हज कर आए थे मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दे। बड़े दिल लगी बाज, बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठीके का कारोबार करते थे, लाखों कमाए मगर शामत आई कि एक मेम से आशनाई कर बैठे, मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ, जो कुछ जहाँ था वही छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनके हिसाब किताब कर ले और कुछ जो कुछ निकलेगा उसी में ज़िंदगी काट देंगे। मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहाँ से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठिया, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़ों के सिवा और कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी, कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। अब लखनऊ की सबसे चलती हुई दुकान जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम ताल्लुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता, यह काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़े, यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाज़ें आई, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्ज़ा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपये की एक थैली। खुश, 100 रुपये? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ू 100 के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1,000, कौड़ी कम नहीं। अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्ज़ा जी ने तुरंत 100 रुपये का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1,00,000 कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के काले तिल पर समरकंद और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, माशूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम। पीछे कदम हटाइए मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए, लखनऊ की हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्ज़ा जी ने हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई, उनकी जेब से 500 रुपये निकले। मिर्ज़ा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन थोड़े, इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपके जेब में 500 रुपये। लाहौल बिला कुवत, कहा है मेहता, आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपये वसूल कर लाए। खन्ना खिसियाकर बोले, अजी उनके पास एक पैसा भी न होगा, कौन जानता था कि यह आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर, आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा ले। अच्छा, तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते मिस्टर मेहता, आप फिलोसोफर है, मनोविज्ञान के पंडित, देखिए अपनी भेद न कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे, उसी मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्ज़ा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी से आया ने। मिर्ज़ा ने कहा, हाँ हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहका मारा और जेब से 100-100 रुपए के 5 नोट निकाले।
मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों न हो, फिलोसोफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जा तुम्हारा। मेहता अकड़कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पूछा, अंदर आओ। बोली, आप है मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं, अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है, बस वही, आपके पास रुपए हो तो 500 रुपए देकर 1000 की चीज़ ले लीजिए, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए न दिए तो बेदाग निकल जाएगी, पीछे से कौन देता है, शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपए किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या ज़रूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है, खुदा झूठ न बुलवाए, तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है, समझ लीजिएगा एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथ में, आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लती आहुज अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनखा की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपए निकले, मेहता की जेब से केवल 8 निकली, कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपए खुद दे दिए, हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी, यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही है। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही है, धन्य भाग। राय साहब के साथ ही हाल में आ विराजे, उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते होगे, मैं समझती हूँ मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ, यो आप अपने को कुछ समझे और आपको शोभा भी नहीं देता है कि, लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित है, आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझे लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है, मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर नगर में आपके नाम ही की सड़कें बनेगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक है, और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हो। ओंकारनाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले, यो वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज में अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी, उन लोगों में वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसीलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थांधता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगेदते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उच्छृंखलता कर बैठते थे, इसीलिए उन्हें खाली ढोल समझते थे लोग। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान, कहा है आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखे और अपना कलेजा ठंडा करे, आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है, सदुद्योग कभी निष्फल नहीं होता, यह ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी आप तो मुझे कांटों में घसीट रही है, मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की है अपना कर्तव्य समझकर किया है, मैं इस सम्मान को अपना नहीं उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है, लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए, मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ, मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती, सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा,
नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है, और भी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकार नाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ ले मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएगी। मिर्जा जी ने पुचकारा, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी ये नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है, तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो न यह सभा स्थापित होती और न आपके सभापति, आप यहाँ के सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है, और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुँचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसपालिटियों में और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं, कई चेयरमैन तो यही विराजमान है। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीन ही समझे। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की ये सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकारनाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना चाहिए। मिर्जा खुर्शीद बोले, ज़रूर ज़रूर, उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम में संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, ज़रूर ज़रूर। मिस मालती ने एक पेग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में आपकी जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपेगेंडा, न दौड़ धूप से। ओंकारनाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है, और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम को तिलांजलि दे देना चाहिए। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकारनाथ जी जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हो, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हो, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाए। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दे। मैं शराब नहीं पीता तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा,
आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका। मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकारनाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे। नहीं, ये सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है। मेहता महोदय, क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकारनाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष है जो इनकार कर दे। यह जो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को बिंदवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्र दो से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पियेंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले ही से तैयार था। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ प्याला ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वनर श्रेष्ठता काफुर हो गई। मन में कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, न पी हो, उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहा से और पीते भी तो जाते कहा? फिर वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर किस नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो शिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं, वह आज उनके सामने खड़ा है। क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया। क्या समझते हैं, मैं नीरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद गह गए निकल पड़े हो। वाह देवी जी, क्या कहना है, कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नेम का घड़ा, फोड़ दिया। ओंकारनाथ के कण के नीचे शराब का पहुँचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है कि वह उसकी यथोचित रक्षा करेगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ, कहकर उसे हाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा ग्लास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दे। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों फिदवी ने अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाज़त हो तो सुनाओ। चारों तरफ से आवाज़ें आई, हाँ हाँ ज़रूर सुनाइए। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला असर था। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी, उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ है, मुँह से निकलता कुछ है, फिर यह ज्ञान भी जाता रहा, वह क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, इसकी सुधि ही नहीं रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो रहा था।
न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति है, हमारा हुक्म है, हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति है, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्ज़ा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की, क्यों की? बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक है, हम बिजली का संपादक है, हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम आपका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। यह कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्ज़ा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वही ज़मीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकाले। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक केक को अपने पत्र में रगे देगा और ऐसा ऐसा रगड़ेगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया।